गुड मॉर्निंग सो टुडे वी आर कौन टू डिस्कस मिल्टंस ऑन शेक्सपियर ऑन शेक्सपियर वॉज मिल्टस्ट पब्लिश पोएम एपियरिंग एन ऑनिमसली इन द सेकंड फोलियो ऑफ विलियम शेक्सपियर प्ले मिल्टन ने शेक्सपियर की एडमायरेशन में ये लिखा है तो इसका टाइटल भी कुछ ऐसा ही है एन एपीट ऑन इन द एडमायरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर एक सिक्सटीन लाइन का एपिटॉफ है विद इन ए सिंगल स्टेंजा इसमें यूज हुआ है आइम्बिक पेंटामीटर का और हीरोइक कपलेट्स का इस पोएम में मिल्टन सेलिब्रेट्स करते हैं बार्ड्स सिंगलर जीनियस मतलब बार्ड उन्होंने किसको एड्रेस किया है विलियम शेक्सपियर को और वो कहते हैं कि नो फिजिकल स्टैचू और मोन्यूमेंट कोई भी फिजिकल स्टैचू या स्मारक कुड एवर बी worthy of ऑफ इज ग्रेटनेस उनकी महानता के लायक हो सकेगा इन स्टेट इसके अतिरिक्त स्पीकर ये भी कहते हैं कि शेक्सपियर का जो वर्क है वो रहता है विद इन द and एंड of ऑफ इज ऑडियंस उनके ऑडियंस के हार्ट में और माइंड में रहता है एंड सच ए टूम द speaker डिक्लेयर स्पीकर डिक्लेयर करते हैं कि जो ऐसी टूम इट्स समथिंग इवन किंग्स कैन ओनली ड्रीम ऑफ कि जो उनकी टूम है उनकी उपलब्धियाँ हैं वो कुछ ऐसी हैं कि एक राजा भी केवल उनका सपना देख सकता है ओके okay, अब हम इसको पढ़ने वाले हैं लाइन बाई लाइन एक साइड हमारा पोयम है और एक साइड हमारा एक्सप्लेनेशन है लेट्स वोट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर इज ऑनर्ड बोन्स द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन मिल्टन कहते हैं कि वाई वुड शेक्सपियर नीड शेक्सपियर को क्यों जरूरत है कि जो उनकी सेक्रेट रिमेन्स मतलब जो उनकी ऑनर्ड बोन्स हैं जो उनकी पवित्र हड्डियां हैं उनको दफनाया जाए किसी मकबरे के अंदर और हिज लाइफ वर्क उनकी लाइफ को जो वर्क है उसको कमेमोरेट किया जाए मतलब याद किया जाए बाई ए स्टेक ऑफ स्टोन एक पत्थर के ढेर द्वारा दैट हैज़ टेकन ए लाइफ टाइम टू बिल्ड जिसको बनने में एक पूरी उम्र गुजर जाए और दैट इज हेलोड ड्रेलिक्स शुड बी हिट अंडर ए स्टार पॉइंटिंग पिरामिड कि वाई शुड कि क्यों उनकी होली कोप्स उनकी जो पवित्र अवशेष हैं बी हिडन छुपाए जाने चाहिए विनीत सम पिरामिड सेफ्ट टूम इसके नीचे कुछ प्रामिट जैसे आकार के टूम के नीचे दैट पॉइंट अप द हेवन जो कहाँ पे केंद्रित है हेवन की तरफ डियर सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम वो कहते हैं शेक्सपियर यू आर द सन ऑफ मेमोरी तुम क्या हो मेमोरी का बेटा हो मतलब हमारी यादों में रहते हो एंड एयर ऑफ फेम इट्स खुद क्या हो एक फेम की प्रसिद्धि के बारिश हो उसके उत्तराधिकारी हो सो वॉट नीड्स दो सच जस्ट आगे देखते हैं वॉट नीड्स दो सच बीक विटनेस ऑफ द नेम सो वाई वुड यू नीड तो तुम्हें क्यों जरूरत है सच ए पीटीफुल ट्रिब्यूट टू योर नेम कि तुम्हें जो है एक प्यूटीफुल एक दयनीय ट्रिब्यूट श्रद्धांजलि की क्यों जरूरत है टू योर नेम अपने नाम के लिए दो इन वंडर

उसको एडमायर करते हूँ तो तुमने तो ऑलरेडी अपने ऑडियंस की इमेजिनेशन में ऐसी इमेज बना ली है अपना स्मारक बना लिया है फ्रॉम वी लिस्ट टू द सेम ऑफ स्लो इन डीवरिंग आर्ट द इजी नंबर्स फ्लो एंड दैट इच हार्ट हार्थ फ्रॉम द लीव्स ऑफ द अनवैल्यूड बुक मतलब दैट इज बिकॉज मच टू द एम्बेरसमेंट ऑफ पेंस टेकिंग क्रिएटेड आर्ट मतलब जो बाकी लोग हैं उनके लिए तो ये बहुत पेंसटेकिंग जॉब है बहुत हार्ड वर्क है उन्हें बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है अपनी आर्ट को क्रिएट करने के लिए जबकि योर ग्रेसफुल पोइट्री जो तुम्हारी सुंदर पोइट्री है फ्लो इफर्टलेसली वो कैसे फ्लो करती है इफर्टलेसली बिना प्रयास के दोज डेल्फिक लाइन्स विथ डीप इम्प्रेशन टुक देन दो आर फैंसी ऑफ इथ सेल्फ बिविंग डेल्फिक लाइन्स मतलब जो मिस्टिकल्स लाइन है इन द पेजेस ऑफ योर प्रीसियस वर्क तुम्हारे कीमती वर्क के पेजेस में जो रहस्य में लाइने हैं हैव लेफ्ट ए डीप इम्प्रेशन उन्होंने एक गहरा प्रभाव छोड़ा है ऑन एवरी रीडर्स हार्ट प्रत्येक पढ़ने वाले के हार्ट पर उसके दिल पर नेक्स्ट देखते हैं डोस्ट मेकस मार्बल विथ टू मच

हमें खुद के लोस पे बिलाप कराते हो ऐसा लगता है ना उनके प्ले को पढ़कर कि जैसे हमारे साथ ही ऐसा हो रहा हो एंड टर्न एस इन टू मारवल मोन्यूमेंट्स टू योर सेल्फ एज वी ऑब्जोर्व योर वर्क इन टू आर और हमें क्या कर दिया है टर्न कर दिया है एक मार्वल स्मारक में एक मोन्यूमेंट में एज ऐसा लगता है ना जैसे वी ऑब्जर्व योर वर्क इन टू आर माइंड जैसे कि हमने तुमने हमें क्या बना दिया एक स्मारक बना दिया है हमने अपना जो तुम्हारा वर्क है उसे ऐसे ऑब्जर्व कर लिया है अपने में कि हम ही तुम्हारे गुण गाते रहते हैं हम ही लोगों को बताते रहते हैं शेक्सपियर के वर्क के बारे में तो तुम्हें इन जो ये कब्र है टूम है प्रामिड है इनकी जरूरत नहीं है तुम्हारा तो वर्क ही काफ़ी है एंड सो यू रेस्ट इन ग्लोरी एंड स्प्लेंडर एंड इवन किंग्स वुड लॉन्ग टू डाई मतलब और तुम क्या करो अपनी कप्र में एकदम ग्लोरी बोलते हैं ना रेस्ट इन पीस तो ऐसे ही बोला है रेस्ट इन ग्लोरी एक ग्लोरी के साथ एक स्प्लेंडर मतलब एक वैभव के साथ लेटे हो कि इवन किंग्स की राजा भी वुड लॉन्ग टू डाई वो भी मरने की इच्छा करेंगे इफ़ दे कुड हैव ए टूम लाइक योर्स अगर उनकी भी टूम किसकी तरह हो लाइक like योर्स तुम्हारी तरह मतलब जैसे तुम्हारी उपलब्धियां हैं और आज भी लोग तुम्हें याद करते हैं इसके लिए राजा भी क्या करना पसंद करेंगे वुड लॉन्ग टू डाई थैंक यू